अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएससीए टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली राना। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारी ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में मौजूद हैं, जहाँ पर 25% ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। आज उन तमाम ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं और जानते हैं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करती हैं। आइए मेरे साथ। मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के डे के हवाले से? आज के डे के हवाले से मैसेज थोड़ा सा अगर मैं अपने स्टाइल में देना चाहूँ तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने स्टाइल में, शायराना गुनगुना के। हम माए, हम बहने, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। सेफ सिटी में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। और यहाँ पे 25% फीमेल्स हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हमें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज मेल्स। मैं टर्की भी गई थी ट्रेनिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ख़वातीन किसी भी तरह मेल से कम नहीं है, वो उनके शाना बशाना काम कर रही हैं। शरानिंग से, मैनुअल शरानिंग से बचना है तो ट्रैफिक कानून की पासदारी अशद ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर इकरा, जो कि सेफ सिटी FM 88.6 में RJ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए से लोगों को ट्रैफिक के हवाले से अवेयर करती हैं। जानते हैं आज ख़वातीन के आलमी दिन पर किस तरह से वो अपने एहसास का इजहार आपसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इकरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताहिर आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन का आलमी दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। आज के दिन के हवाले से हमारे नाज़रीन से क्या शेयर करना चाहेंगी? और तो कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ कुछ अशार पेश करूँगी जो मेरे ख्याल में औरत के एहसासात को की बेहतरीन तर्जुमानी कर सकते हैं। ज़रूर। मैं बीवी बहन और ममता भी, हर आन वफा का जज्बा भी, तारीख मेरी जेवर मेरा, मैं सारा मरियम हवा भी, तोड़ी हैं सितम की जंजीरें, मैं ज़ैनब खौला अस्मा भी, इश्क खातून जन्नत हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ। पुलिस जैसा मुश्किल एक टफ जॉब आप वो कर रही हैं, उसके साथ वॉल क्लाइंबिंग पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, कैसे किया इतना सब कुछ? ये सब आप कह सकते हो पैशन होता है। मुझे पैशन था कौम की खिदमत करने का, तो मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगती थी, तो मैंने स्पोर्ट्स खेलना स्पोर्ट्स में आ गई। मैंने क्रिकेट खेला, उसके अलावा उसके बाद वॉल क्लाइंबिंग स्टार्ट की और वॉल क्लाइंबिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डिपार्टमेंट में बहुत दफ़ा आप बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जीत चुकी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई अवार्ड मिला होगा? जी बिल्कुल, मुझे एक टाइटल मिला था कौम की बेटी का और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी मुझे, और मुझे वो मिला था कि आपकी ऑनेस्टी पे और आप कितना हार्ड वर्किंग हो, कि आपके लिए आपका वर्क कितना इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों से, तो इस बात में मुझे कौम की बेटी का खिताब मिला था। आज ख़वातीन का आलमी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, आज की औरत कितनी एम्पावर्ड है? ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट जो हम करते हैं, वो ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आज की जो औरत है वो कितनी एम्पावर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो फीमेल्स थी वो सिर्फ दो फील्ड्स में ही ज़्यादा इन होती थी, डॉक्टरी या टीचर, ठीक है, लेकिन अब की जो औरत है वो पुलिस के महकमे में, IT के महकमे में जहाज़ चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, रेस्टोरेंट्स रन कर रही हैं और अपनी बेस पे कर रही हैं, ठीक है, अपनी ऑन पे, तो वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुकी है क्योंकि उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो विद कॉन्फिडेंस हर चीज़ को रन कर सकती हैं। जिस तरह, जैसे हम अपनी बात करें, जब मैंने अपना डिपार्टमेंट ये ज्वाइन किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना फैमिली सिक्योर इन्वायरमेंट है कि हम तीनों शिफ्ट्स में काम करते हैं मर्द के शाना बिशाना हो के। जिस तरह लड़के 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, लड़कियाँ भी 3 शिफ्ट्स में ही इस तरह काम करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। पुलिस फोर्स के हवाले से, पुलिस फोर्स आपने ज्वाइन की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन को, इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए? जैसे बाकी बहुत सारी फील्ड्स में औरतें हैं,
पुलिस में आने से थोड़ा घबराती हैं, तो अब हमें एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि बहुत अच्छा रहा, तो ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ आने से पहले हम मुझे भी थोड़ा डाउट था कि ये अच्छा नहीं होता है, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन ये कि यहाँ पर काम करके फील हुआ है कि ये बहुत अच्छा है और सेफ है, ये ज़रूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक बहुत महफूज मुल्क है और पंजाब पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से एक वुमन सेफ्टी ऐप डेवलप की गई है। औरतें जहाँ भी हों, जिस टाइम भी हों, अपने आप को सेफ फील कर सकती हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, मैसेजेस पे भी कर सकती हैं, वैसे बात भी कर सकती हैं। हम उन्हें 24/7 सर्विसेज देंगे और वो हम यहाँ पे फीमेल स्टाफ भी मौजूद हैं ताकि वो इजीली अपनी जो भी मसला है वो हमसे डिस्कस कर सकें। शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन मेहनत, हिम्मत और भरपूर अज़्म का मुजाहरा कर रही हैं। हम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से औरत की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह निगहबान।